आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिलाध्यक्ष मुरारी लाल गोयल पेंट के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने महानगर में व्याप्त समस्याओं के लिए नगर निगम में प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जागो नगर आयुक्त, जागो, आगरा की समस्याओं को दूर कराओ। इस दौरान अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों का कहना था कि वे महानगर में व्याप्त गंदगी, सीवर, आवारा पशु और सड़कों में गड्ढों की समस्या के समाधान के लिए दूसरी बार नगर आयोग को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल आज नगर निगम को हम आगरा की सफाई और अन्य समस्याओं के अवलोकन करते हुए नगर आयुक्त को ज्ञापन देने आए हैं। आज आगरा की स्थिति इतनी भयंकर हो गई है, कोविड काल के अंदर भी नगर निगम बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल सोया हुआ है। हम लोग नगर निगम के आयुक्त को ये बताना चाहते हैं कि आगरा में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे, जगह जगह सीवर की समस्या, जगह जगह आवारा जानवरों का झुंड, सर्दी सिर पे है, कोहरा सिर पे है, अगर इस प्रकार से आवारा जानवर सड़कों में बैठे रहे तो रोज दुर्घटनाएं घटेंगी। हम अपने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के माध्यम से नगर निगम को, नगर आयुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को भी हम बताना चाहते हैं कि आगरा की जो प्रमुख समस्या है हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से उधर कोई ध्यान नहीं है। कोरोना काल के अंदर भी आगरा के अंदर समस्याओं का जाल बिछ गया है। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के माध्यम से नगर आयुक्त को जब बताना चाहता हूं, जो ज्ञापन में जो हमने समस्याएं दी हैं उनको विशेष ध्यान देते हुए जल्द से जल्द निराकरण कराएं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बैनर तले आज चूँकि शहर की अनगिनत समस्याएं दिन ब दिन उफान ले रही हैं, चाहे वो सीवर की समस्या हो तो मैनहोल देख लीजिएगा तो सड़कों पर सारा सीवर का गंदा पानी बह रहा है, संक्रमण होने का भी खतरा है। साथ ही लाखों लोगों को रोज़ पानी ना मिलना, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इस शहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग प्यासे हैं। ऐसे शहर में जो कि आगरा जैसा शहर जो अंतर्राष्ट्रीय शहरों में गिना जाता है, वहाँ स्थिति यह है कि आज लोगों को पानी मुहैया नहीं है, सड़कें नहीं हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। स्थिति यह है कि जो काम बिगड़ा हुआ है, जो काम सही करने की जिम्मेदारी जिस विभाग पर है, उस विभाग करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साथ ही कुछ ऐसे दुकानदारों को भी परेशान किया जा रहा है कि उनकी रसीदें काटी जा रही हैं, 300-300 रुपये हर महीने की रसीद काटी जा रही है, कूड़ा कहीं उठ नहीं रहा है और साथ में जो 300-300 रुपये की रसीदें जो हैं काटी जा रही हैं, दुकानदारों को जबरन वसूली की जा रही है। तो ये किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, सफाई के नाम पर नहीं कुछ भी हो रहा है। एक साल हो गया विभाग कंपनी को अनुबंधित किए हुए, उसको ठेका दिए हुए, लेकिन कहीं भी उसने अभियान के रूप में कहीं भी तली झाड़ सफाई इस शहर के अंदर नहीं हो रही। नालों में सिल्ट भरी है तो भरी पड़ी हुई है और ना ही सीवर की समस्या, यहाँ कहीं पानी की समस्या, सीवर की समस्या, सड़क की समस्या और ये उगाही की समस्या और अनगिनत समस्याएं नगर निगम के द्वारा जो की जा हो रही हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अनदेखी हो रही है। इसके लिए आज नगर आयुक्त को एक ये बताने आए हैं, उनको कहने आए हैं कि साहब शहर पर कुछ कृपा करो और शहर के लोगों को कुछ इन चीज़ों से मुक्ति दिलाओ, जिससे लोग सच और व्यवस्था में रह सकें और उनके घर की जो परेशानियाँ हैं, घर के अंदर सीवर का पानी बह रहा है साहब, बच्चों को बीमारियाँ होने का खतरा दिन ब दिन बना हुआ है, हालात ख़राब हैं, आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, कोहरे का समय चल रहा है और ऐसे में दुर्घटनाओं की भी स्थिति दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इन समस्याओं से मुक्ति मिले और लोग जो है महफूज होकर रह सकें, इस भय के डर के साए से दूर हो। नगर आयुक्त को हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं क्योंकि शहर में जो फैली हुई है गंदगी और जिसकी वजह से जो महामारी फैल रही है और जो जगह जगह खड्डे और सीवरें को आफान ले रहे हैं, तो पहले भी जो एक बार हमने ज्ञापन दिया था लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इसलिए दोबारा फिर हम लोग जनता के हित के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। तो हमारी यही मांग है कि जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें और वो इसको तत्काल इस पर एक्शन लें और सभी को ठीक कराएं। जैसे कि सीवर जो फन रही हैं और जगह जगह नल टूटे पड़ी हुई हैं, लाइन लाइनों की जो
पानी नहीं पहुंच रहा है, सभी व्यक्ति वहां पर परेशान है, जो जनता है एक एक बाल्टी पानी के लिए परेशान हो रही है, घरों में जो सीवर है वो उफान ले रही है, तो उसकी वजह से जो बीमारी और बढ़ रही है। एक कोरोना को ही लेकर के तो हम लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर के कोई भी चिंतित नहीं है। यहाँ का कि या नगर निगम में भी कोई इस बात की सुनवाई नहीं है, जो नगर आयुक्त हैं उनको हम इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि वो हमारी यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई करें। और जो सड़कों पर ढेर मिट्टियों के और जो कीचड़ निकाल के नालों के जो ढेर किए जा रहे हैं उसकी सफाई भी तुरंत नहीं की जा रही है, और सड़कों के किनारे जो फुटपाथ बनाई जा रही है जिस पर कि जो जनता के चलने के लिए ताकि वो सुरक्षित चल सके, उससे एक्सीडेंटों से बचे, लेकिन वहाँ भी ठेले वगैरह इतने लग जाते हैं कि ना तो वहाँ सफाई हो पाती है और ना वहाँ से जनता गुजर सकती है जी। तो इस चीज़ पर भी आप लोग ध्यान दें, हमारा यही कहना है कि जनता की जो मांग है उसको पूरा कीजिए। अपर नगर आयुक्त KB सिंह का कहना था कि मांग पत्र में जो समस्याएं दी गई हैं उनमें से कुछ का समाधान वो पहले ही करा चुके हैं, अन्य का समाधान जल्द ही करा दिया जाएगा। संस्था द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन में सीवर की समस्या, सड़क की समस्या और कूड़ा उठाने की समस्या है। सीवर की समस्या के लिए तो BTEC बाबा को बता दिया गया, और जो कूड़ा उठाने की समस्या है यह समस्या एक मनोज पत्रकार ने मुझे पहले ही बता दिया था, ये परसों ही समस्या का समाधान किया जा चुका है। ये आज जो है लेट अपना ज्ञापन लेकर के आए थे, और भी एक दो समस्याएँ थीं उनका भी पूर्व में ही निस्तारण किया जा चुका है। जो जल की समस्या है गंगा जल की, वो मैंने GM जलकल को भेज दिया, BTEC बबाव से कह दिया, अब इनकी समस्या का कोई जो है मेरे स्तर पे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि और उनके ज्ञापन की कवरेज के लिए जैसे ही फोटो और वीडियो जर्नलिस्ट अपर नगर आयुक्त के कार्यालय में घुसे तो उनका पारा हाई हो गया। अपर नगर आयुक्त ने मीडिया कर्मियों को कार्यालय से निकलने का फरमान सुनाया। जब खुद उनसे मास्क नहीं लगाने का सवाल किया गया तो उनके तेवर ठंडे पड़ गए। आप नियम में रह रहे हैं, आप नियम से हो जो दूसरों को नियम सिखा रहे हो सर? इतने लोग क्यों आए? नहीं लगा तो हम क्या करें दादाजी, हम क्या करें? मैं एक आदमी को बुलाया, एक आदमी जो समस्या कहेगा वही बहुत सारे लोग कहेंगे। उसने कहा आ जाइए सर जी, आपका भी रवैया ठीक नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हो। ये भी तो मैंने नहीं कहा। अपर नगर आयुक्त के तेवर देख मीडिया कर्मी और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि सकते में आ गए। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने अपर नगर आयुक्त के व्यवहार पर नाराजगी भी व्यक्त। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।